इन दिनों पूरे उत्तर भारत में या ये कहें कि पूरे भारत में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। खराब मौसम के कारण रोकी गई यात्रा। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते पहलगाम और बालटान दोनों रूट पर अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम ठीक होते ही यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण चारधाम यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। जगह जगह भूस्खलन की वजह से कई सड़कों पर आवाजाही रोक दी गई है, ताकि यात्रियों को कोई हानि न पहुंचे। इन राज्यों में तेज बारिश होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, यानी कि आधा हिंदुस्तान पानी पानी होता हुआ नजर आ रहा है। इन राज्यों में हल्की बारिश होगी। बिहार, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन राज्यों में मौसम साफ रहेगा। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और गंगेय पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। राज्यों में मॉनसून का हाल, चलिए अब आपको बताते हैं अलग अलग राज्यों में मॉनसून का क्या है हाल। उत्तर प्रदेश, कई जिलों में सड़कों पर भरा पानी। बात करें यूपी की, तो यूपी में लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के कई जिलों में परेशानी का लोग सामना कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें नदी नालों में तब्दील हो चुकी है। वहीं लोगों के घरों में बरसात का पानी घुस चुका है। राजधानी लखनऊ के पॉश इलाकों में सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से लोगों को आने जाने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की मौत की खबरें भी आ रही हैं। इसके साथ सैकड़ों मवेशियों की मौत अब तक हो चुकी है। उत्तराखंड, कई जगह भूस्खलन, कांवड़ यात्रा में बारिश बन रही बाधा। उत्तराखंड में भी बारिश ने तबाही मचा रखी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं, जगह जगह भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। वहीं सावन महीने में शुरू हुई कांवड़ यात्रा पर भी बारिश खलल दे रही है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से लक्सर से होकर गुजर रही बालावाली नीलधारा गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। नीलधारा गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। बढ़ते जलस्तर से गंगा किनारे बसे दर्जनों गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने गंगा किनारे बसे अति संवेदनशील गांव को अलर्ट कर दिया है। गंगा किनारे बसे गांव के लोगों को गंगा किनारे ना जाने की सलाह दी जा रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से लक्सर, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी जैसे कई जगहों पर भूस्खलन हो रहे हैं, साथ ही बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए बाढ़ चौकियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कई बार चारधाम यात्रा को भी रोका जा चुका है। मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर समेत 38 जिलों में तेज बारिश। मध्य प्रदेश में 2-3 दिन तेज बारिश की संभावना है। प्रदेश के 60% से ज्यादा हिस्से में हैवी रेन का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 38 जिलों में तेज बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इन जिलों में 2.5 से 4 इंच तक बारिश हो सकती है। कई जगहों पर बिजली गिरने की घटनाओं में 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राजस्थान, तेज बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, नदियां उफान पर। राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर संभाग के कई जिलों में तेज बारिश हुई। इन जिलों में करीब 3 से 4 इंच तक पानी बरसा है। मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश होने से चंबल समेत अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ा। 7 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल, लैंडस्लाइड से 45 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच बीते 24 घंटे के दौरान कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। लैंडस्लाइड होने से करीब 45 सड़कें बंद हो गई हैं। मंडी के केहनवाल गांव में सड़क पर पहाड़ गिराया। सिरमौर के राजगढ़ में गुरुद्वारे की निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिर गई। साथ ही कई जगहों पर बादल फटने से भारी नुकसान की खबरें भी आ रही हैं। बिहार, गंगा कोसी उफान पर। बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। नेपाल और बिहार में लगातार हुई बारिश के बाद नदियां उफान पर है। गंगा कोसी और बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि अभी बिहार में सामान्य से 24% कम बारिश हुई है। बेतिया में गंडक बराज से छोड़े गए पानी में कई गांव डूब गए हैं। दिल्ली NCR, कहीं हुए गड्ढे, कहीं लगा लंबा जाम। दिल्ली वालों के लिए सुबह से ही हो रही बारिश मुसीबत बन गई। लगातार हो रही बारिश से जाम की स्थिति पैदा हो गई है। कई सड़कों पर जलभराव के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से NH 44 पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। दिल्ली का कनॉट प्लेस का इलाका भी भारी बारिश की वजह से लबालब भर गया। दिल्ली की सड़कें स्विमिंग पूल की तरह नजर आ रही हैं। कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी और सड़कों का हाल बेहाल हो गया। आपको बता दें कि IMD ने अगले 4 दिन तक बारिश का अलर्ट बताया है। हर जगह बारिश से जल
जमाव की स्थिति बनी हुई है। बारिश के पानी ने सड़कों को समंदर बना दिया। नोएडा के कई इलाकों में सुबह सुबह बारिश देखी गई। नोएडा में शनिवार को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री अधिकतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया। केरल, बारिश से हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर। केरल में मॉनसून 7 दिन की देरी से 8 जून को सक्रिय हो गया था। लगभग एक महीने बाद केरल में बारिश और कहर बरपा रही है। इसी के चलते यहां के कुछ लोग इलाकों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। जिला कलेक्ट्रेट बता रहे हैं कि अगली सूचना तक सभी खनन कार्य को भी निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि केरल के कोची में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यहां अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक कोची में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बारिश जारी रहेगी। बारिश का सिलसिला अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान अधिकतम तापमान में लगातार बढ़त दर्ज हो सकती है।